नमस्कार, एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, खाली मोदी शब्द पे सजा देना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र था और राहुल को रोकने का, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। सर, वर्तमान में अतिथि विद्वान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो मुख्य शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे कि हम सरकार बनाते हैं तो आप नियमित करेंगे, लेकिन आज जब सरकार है फिर भी नियमित नहीं कर पा रहे, आज भी प्रदर्शन जारी है। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का और जनता का, ऐसा मुख्यमंत्री विपक्ष में रहता है तो पक्ष की बात करता है और सत्ता में आया तो भूल गया। ऐसे मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश से जो सफाई कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, मैं तमाम में प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि 18 सालों से आप इस प्रदेश को उजड़ता हुआ उखड़ता हुआ देख रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंकने का काम करिए। आप लोग सड़कों पर आइए, जब तक हम एक तो बता दूं आपको कि हमारी प्रदेश की जनता ने मांगने की आदत डाल रखी है, मेरा ऐसा मानना है। अब जनता को रोड पर आकर, सड़कों पर आकर छीनने का काम करना चाहिए। ये सत्ता इन लोगों ने धोखे से हथियाई थी, ये सत्ता को मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी छीन कर जनता को वापस देगी और 2023 के चुनाव में निसंदेह अगर हम पार्टी सरकार भी बनाएंगे तो सरकार मध्य प्रदेश में सपा के बगल में रोज नई नई घोषणा करेंगे। सरकार बनती है तो क्या नियमित करेंगे? बिल्कुल, जो जो हमारे घोषणा पत्र में हमारे आदरणीय डॉक्टर सुनीलम साहब ने जो बताया मध्य प्रदेश के लिए, जो जो घोषणाएँ प्रदेश यहाँ की जाएगी, यकीनन उस सारी घोषणाओं को सबसे पहले पूरा किया जाएगा। जनहित मुद्दों को, जो भी जनता के मुद्दे होंगे, जनता के काम होंगे, उनको सर्वोपरि उसको सबसे पहले। शिवराज सिंह जी रोज रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणावीर हैं, उनकी घोषणाएं यकीनन मध्य प्रदेश में जो घोषणा करते हैं वो जनता भी हंसती है उनकी घोषणाओं। कल पैर धो के पी लिए, पैर धो के पानी सर पे लगा लिया, अब इससे बड़ा स्टार मध्य प्रदेश में फिल्म स्टार नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के सुपर स्टार हैं, मध्य प्रदेश की जिस तरह के स्क्रिप्ट लिखी जाती है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंचों पर लहरा लिला के उस मंचों पर जो भाषण देते हैं, तो यकीनन पिछले 6 महीने से फिल्म स्टार बने हुए हैं। रजनीकांत की फिल्म देख लेते हैं, कभी किसी की फिल्म देख कर वो आकर आप जिस तरह से जनता के बीच में वो काम कर रहे हैं, इससे ये लगता है ये जाने का समय आ गया शकील जी। एक तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और जनता का इन्हें तुरंत ही जो है लोगों के बीच में अपने प्रोग्राम को लेकर के आता है, ये जो आपकी त्वरित कार्रवाई रहती है ये प्रशंसनीय है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि असल में जो कुछ हुआ है वो अप्रत्याशित नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता
अगर आज जो है स्टे मिल जाता तो ज़रूर लगता कि क्या गुजरात में सब कुछ बदल गया है, लेकिन ऐसा कुछ होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जो कुछ उम्मीद थी बिल्कुल उम्मीद के अनुसार ही सब कुछ हुआ है। सबको उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ न्याय ज़रूर मिलेगा, और मुझको भी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने कि तीस्ता सेक्टरवार के साथ में जो एक पूरी तरीके से सरेआम अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो एक पूरा का पूरा कांड था, अगर लोगों की हत्या कर दी गई और जिस तरीके से एक ही परिवार के इतने लोगों की हत्या हुई और उसके बाद में उनको जो है वो भी दे दिया गया, बेल भी ग्रांट करने का काम किया गया उस मामले को लेकर के, क्योंकि तीस्ता गई थी कोर्ट के अंदर तो उनको एक तरीके की सज़ा देने का काम किया गया, उनके खिलाफ में केस दर्ज किया गया, लेकिन उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनको जस्टिस देने का काम किया। तो हम सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर ये उम्मीद करते हैं, लेकिन जो गुजरात हाई कोर्ट ने किया है वो बिल्कुल मेरे लिए तो अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं है। अब ये सवाल ये आता है कि जो कुछ भी हुआ ये न्याय की कसौटी पे खड़ा उतरता है या नहीं उतरता, तो पूरा देश जानता है कि नहीं उतरता। लोग दिन रात बयान करते रहते हैं, जब पूरे समुदाय विशेष के लोगों को इस देश से खदेड़ने की बात होती है, समुदाय विशेष के लोगों को कब्र से निकाल निकाल करके क्या क्या करने की जब बात होती है, जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, तमाम सारी जब बातें होती हैं तो उसके ऊपर कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।